मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। कहना है कि बीमार पड़ो तो रसोई घर की दवा कर लो, खर्चा नहीं है ज्यादा। सर्दी जुकाम हुआ तो अपने रसोई घर में हल्दी है, हल्दी को दूध में खूब गर्म करके पी लो, सर्दी जुकाम ठीक। खांसी हो गई तो अपने रसोई घर में अदरक है, अदरक का रस निकालो, थोड़ा गुड़ मिला के या शहद मिला के गर्म करके पी लो, खांसी ठीक हो गई। ज्यादा खांसी हो गई तो तुलसी का रस निकाल दो, अदरक का रस निकाल लो, शहद मिला के पी लो। बुखार बहुत आ गया तो दालचीनी का पाउडर और तुलसी ले लो, खूब उबाल के काढ़ा बना के उसे पी लो। एक भी बीमारी के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं। पेट खराब हो गया, दस्त बहुत हो रहे हैं तो जीरा ले लो और फंकी मारो, चबा के खाओ, दस्त एकदम बंद हो जाते हैं। कच्चा दूध ले लो, नींबू निचोड़ के पी लो, एक ही बार में दस्त बंद हो जाते हैं। सब बीमारियों का इलाज रसोई घर में है, एक भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबको मालूम है, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं है। डॉक्टर से पूछने के लिए जाते हैं, पैसे भी देते हैं डॉक्टर को, खर्चा भी करते हैं। दादा दादी से पूछ लो, नाना नानी से पूछ लो, सबको मालूम है ये। और एक छोटी सी बात याद रखो कि बीमारी मत पड़ो तो दवा का खर्चा ही नहीं। प्राणायाम सीख लो थोड़ा, 15-20 मिनट भी अगर रोज कर लिया, आधा घंटे करें तो बहुत अच्छा है, 15-20 मिनट भी रोज कर लें तो बीमारी नहीं आती, बीमारी नहीं आएगी, दवा का खर्चा नहीं। दवा का खर्चा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा। एक दिन हमने हिसाब निकाला, सब लोग बीमार पड़ना बंद करें तो 6,00,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। जिस घर पर कर्ज होता है ना, उसका एक एक पैसा बचाना चाहिए। देश पर कर्ज हो गया है, देश का पैसा बचाना चाहिए। और बीमार ना पड़े उसके लिए 4 मोटी मोटी बातें हमेशा याद रखना, मैं उनका पालन करता हूं, आप भी करना। योग प्राणायाम रोज करना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना कभी भी, 1 घंटे बाद पीना, कभी बीमार नहीं पड़ो। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, उसका पाचन होना बहुत जरूरी है। खाने को पचाने के लिए पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही वो जलना शुरू हो जाती है, हम घटाघट पानी पी लेते हैं, वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाना पचता नहीं, फिर खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो 1 घंटे तक, और पानी को जब भी पियो तो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा। क्यों? मुंह में लार बनती है ना, ये पानी में मिलके पेट में जानी चाहिए। मुंह की लार जो है ना क्षारीय है, पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जिनका पेट न्यूट्रल होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए पानी घूट घूट पियो। तीसरा तक काम करो, कभी भी ठंडा पानी मत पियो, हमेशा पानी सादा या गुनगुना पानी पियो। फ्रिज का पानी मत पियो, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही गड़बड़ होती है। हमारा पेट गर्म है, पानी हमने ठंडा पी लिया, अब पानी को गर्म करना पड़ता है पेट में, उसके लिए खून की जरूरत पड़ती है। सारे शरीर का खून पेट में आ जाता है तो शरीर के दूसरे अंगों को खून की कमी पड़ती है, उसके कारण शरीर के अंग खराब होते हैं। इसलिए ठंडा पानी मत पियो, सादा पानी पियो, मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं। और आखिरी नियम है, सवेरे सवेरे सोकर उठो, सबसे पहले पानी पियो, मुंह धोने से पहले पानी पियो, संडास जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले पानी पियो। पानी पिए के अगर आप टॉयलेट जाओगे, पेट एकदम से साफ होगा, और जिनका पेट एक बार सुबह साफ होता है वो बीमार नहीं पड़ते। आप जानवरों को देखो, जानवर जब खाना खाते हैं ना, कोई पानी नहीं पीता, हमेशा 3-4 घंटे के बाद पानी पीते हैं। चिड़िया भी दाना चुगती है सुबह सुबह, पानी पीती है 10-11 बजे। पक्षी और पशु सब पानी खाने के 2-3 घंटे बाद पीते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने भाई श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा सुना कि हम किस प्रकार से पेट की पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और हमारे रसोई घर में किस तरह की औषधियों के द्वारा हम सामान्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब हम आपसे साझा करने वाले हैं पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उपाय जो कि भाई श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा उनकी किताब एवं अष्टांग हृदय में वर्णित किए गए हैं। दोस्तों, जब हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है तब हमें भोजन काफ़ी देर से पचता है। हमारे द्वारा की गई पौष्टिक एवं ताकतवर चीज़ों का सेवन भी हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं पहुँचाता। एक बार खाना खाने के बाद हमें भूख बहुत ही कम लगती है, या फिर यूँ कहें कि एक बार खाना खाने के बाद हमारी दोबारा खाना खाने की इच्छा तक नहीं होती। सुबह उठने के बाद पेट साफ नहीं हो पाता, और यदि हम पेट साफ करने की कोशिश भी करते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए हमें शौचालय की तरफ जाना पड़ता है। ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि हमारी कमजोर पाचन शक्ति की ओर इशारा करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एसिडिटी, पेट में दर्द, छाती में जलन, अपच, कब्ज, सर दर्द आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पीना शुरू करें एवं सुबह उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले एक कटोरी दही में एक चम्मच मिश्री पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और एक चुटकी काला नमक मिलाकर इसका रोजाना सेवन करें। दही और जीरे का मिश्रण पेट में एसिडिटी और जलन को कम करके पाचन शक्ति को मजबूत करने में सहायक होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करके भी आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ सौंफ हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने तथा पेट को ठंडक प्रदान करने के लिए भी उपयोगी होता है। खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ में एक चुटकी मिश्री पाउडर मिलाकर इसको अच्छे से चबाएं। इस प्रकार से सूप का सेवन करने से हमारे मुंह में लार की मात्रा बढ़ती है जो कि भोजन को तेजी से पचाने में सहायक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया भाई राजीव दीक्षित जी के चाहने वालों को ये वीडियो जरूर भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।